हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में HSSC ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बहुत बड़ी खबर। 15 दिसंबर को आंसर की आएगी, 10 जनवरी को रिजल्ट होगा घोषित। हम आपको पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। इंतज़ार आपका बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है और कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाने वाली है। इसका भी हम पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कैसे 45 नंबर वाले भी ले सकते हैं सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आप हमारी ये वीडियो जो है कंप्लीट देखिएगा और हम आपको आंसर की के बारे में बताएंगे और रिजल्ट कब घोषित होगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारी वीडियो को और पूरा देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल का बटन आए उसको भी दबा दें, जिससे हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप वीडियो को देख पाएंगे। हम आपको जो है हमारे चैनल के ऊपर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं और उनकी कट ऑफ, नोटिफिकेशन, आंसर की सभी चीज़ों की जो वीडियो है सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और उसके बाद अगर आपका कोई राय हो तो वो कमेंट कर करके ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जा करके हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कर दें, उसके ऊपर भी आपको बहुत सी जानकारी मिलती रहती है गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ कैसे बहुत ही कम जा सकती है। उसके बाद हम आपको 15 दिसंबर को आंसर की आएगी और 10 जनवरी को रिजल्ट होगा घोषित, इसके बारे में बता देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं HSSC 2018 के अंदर हुई परीक्षा और जो ये ग्रुप डी की परीक्षा है इसके बारे में, इसकी कट ऑफ के बारे में कैसे ये कम जा सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम जो है हो चुके हैं जो डी ग्रुप से ही, एस्टेट के एग्ज़ाम अभी होने हैं, हरियाणा SI का एग्ज़ाम कल ही है और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो भी इसी महीने होना है और हमारा जो है डी ग्रुप का एग्ज़ाम वो हो चुका है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, डी ग्रुप के अंदर जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो कौन से बच्चे हैं, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? वो वे स्टूडेंट्स हैं जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी देंगे, जो हरियाणा SI का एग्ज़ाम भी देंगे, जो एस्टेट का एग्ज़ाम भी बहुत से उनमें से देंगे और लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम भी दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जिनके एग्ज़ाम डी ग्रुप का एग्ज़ाम जो है जिनका अच्छा हुआ है वो बच्चे ज़रूर ही इंटेलिजेंट मिलेंगे और वो इंटेलिजेंट मिलेंगे तो उनका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम, हरियाणा SI का एग्ज़ाम, एस्टेट, लैब अटेंडेंट, इनके एग्ज़ाम भी अच्छे हुए होंगे और आगे भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे डी ग्रुप में सिलेक्ट होने थे 60-65 नंबर वाले, वो इनमें सिलेक्ट हो जाएंगे और डी ग्रुप से जो ये पोस्टें हैं एक लैब अटेंडेंट को छोड़ दें तो ये इनसे ऊपर है, तो वे इनमें जाना प्रेफरेंस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि डी ग्रुप का पेपर और इनका पेपर में से भर्ती पहले किसकी पूरी होगी। अगर डी ग्रुप की भर्ती की कट ऑफ पहले आती है और ये बाद में आती है तो फ्रेंड्स वो ये ज्वाइन कर लेंगे और आप जो है सिलेक्शन लेने से रह जाओगे। लेकिन जहाँ तक मनोहर लाल खट्टर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी मानना है, उन्होंने भी कहा है कि पहले जो है भर्तियाँ देखी जाएगी कौन सी जो है पहले पूरी करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहले तो फ्रेंड्स इन सभी की जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही डी ग्रुप की प्रक्रिया जो है शुरू करनी चाहिए, कट ऑफ उसके बाद आनी चाहिए डी ग्रुप की। ऐसा ही होने वाला है फ्रेंड्स 100%, क्योंकि खट्टर सरकार जानती है, क्योंकि जो डी ग्रुप के पेपर में जो पेपर दिए हैं और इनके पेपर दिए हैं वो सेम है, कॉमन स्टूडेंट्स हैं और वो पहले ये अगर उनको मिलते तो वो यही लेंगे नौकरी। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होने वाला है, लेकिन फिर भी चांस है कि हम 1% भी मान के चले ऐसा ना हो तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वो 1% भी नहीं होगा अगर आप सभी जो है HSSC की वेबसाइट के ऊपर जो है आप खट्टर सरकार को या उनके अधिकारियों को ये ईमेल कर दें कि सर आपसे नम्र निवेदन है कि पहले जो है हरियाणा पुलिस, हरियाणा SI, एस्टेट की जो और लैब अटेंडेंट की जो भर्तियां हैं इनको पूरी करवाई जाए, उसके बाद ही डी ग्रुप की कट ऑफ जो है आनी चाहिए, उसके बाद ही इसकी वेटिंग लिस्ट और जो कट ऑफ है वो आए। तो फ्रेंड्स, अगर इंटेलिजेंट सभी स्टूडेंट इसके अंदर चले जाएंगे तो डी ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स वैसे भी 18,000 पोस्ट है, उनकी मिलाकर के करें हम 50,000 के 64,000 के लगभग पोस्ट है। 64,000 में फ्रेंड्स कट ऑफ बहुत नीचे आ जाती है अगर ये भर्ती पहले पूरी होगी।
तो फ्रेंड्स आप उनको ईमेल भी करिएगा और जो है जो भी लेटर वगैरह लिखने होते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखिएगा, जिससे क्या होगा कि पहले वो यही भर्ती पूरी करवाएगी उसके बाद ही कुछ होगा। तो फ्रेंड्स आपसे ये विनती है कि ये वीडियो पूरी तरह शेयर कर दीजिएगा और जितने ईमेल हो सके उनके HSSC वेबसाइट के ऊपर जा कर कीजिएगा और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया उनके पास पहुंच जाए, उनके अधिकारियों के पास, कि पहले ये भर्ती पूरी हो उसके बाद अधिक रुपये पूरी हो। तो फ्रेंड्स आपके बहुत चांस बढ़ जाएंगे, कट ऑफ जो है 40 से नीचे या 40 के आसपास भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये बताना था मुझे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना ज़्यादा हो सके शेयर का बटन नहीं तोड़ दो क्योंकि यही आपके लिए फायदेमंद है। व्हाट्सएप पर जहाँ भी आपको शेयर करने का मन करे वहाँ पर कर दो और इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हो अगर आपका क्या मानना है इस भर्ती को लेकर कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स जब जहाँ तक बात की जाए आंसर की और रिजल्ट की, तो फ्रेंड्स आंसर की आपकी 15 दिसंबर को आ जाएगी और 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स ये पूरे प्रूफ के साथ मैं बात कह रहा हूँ, अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप HSSC के ट्विटर हैंडल पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है ट्वीट में जो मिल जाएगा, जो हमारे ही BJP के अधिकारियों ने कहा है कि HSSC के अधिकारियों ने कहा है कि 15 दिसंबर को आपकी आंसर की जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, जिसके अंदर जो है आपको आंसर मिल जाएंगे आपकी आंसर की जैसे भी आप करके आए थे, और उसके अंदर ऑब्जेक्शन का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो। उस ऑब्जेक्शन कैसे डालना और कैसे आपको बोनस अंक मिलेगा वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है वीडियो का, वहाँ भी आप जाकर देख लें। और 10 जनवरी को आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक।